नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी डी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK ने सोमवार को घोषणा की कि विधानसभा चुनाव में जीत और राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद चुनावी वादों के तहत तमिलनाडु में हर परिवार की राशन कार्ड धारा महिला मुखिया राशन कार्ड के अनुसार 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के प्लानी स्वामी ने कहा कि पार्टी ने राज्य में हर परिवार को हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। CM ने कहा कि और बाकी घोषणाएं घोषणा पत्र के जरिए की जाएंगी, जो इस हफ्ते जारी होने की संभावना है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, जिनको देखते हुए AIADMK अपने मैनिफेस्टो में गैस सिलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि दिसंबर 2020 से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्लानी स्वामी ने सत्ता में लौटने पर सभी परिवारों को हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर मुहैया करवाने का वादा किया है। वहीं एक दिन पहले ही विपक्षी DMK ने चुनावी वादा करते हुए परिवार की महिला मुखिया को 1000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया था। रविवार को DMK नेता MK स्टालिन तमिलनाडु के त्रिची में आगामी विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस प्रचार के दौरान उन्होंने भावी अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अगले 10 सालों में तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी, हर साल 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही। स्टालिन ने कहा, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हर राशन कार्ड धारक हाउसवाइफ यानी घरेलू महिला को 1000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। अभी कुछ वक्त पहले अभिनेता से राजनीतिक बने कमल हसन ने भी एक ट्वीट किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। कमल हसन ने कहा था कि महिलाओं के द्वारा किया जा रहा घरेलू श्रम मुफ्त नहीं होना चाहिए, उन्हें उस काम का पैसा मिलना चाहिए। शशि थरूर ने भी उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उसका समर्थन किया था। आगे हम आपको बता दें, MNM के प्रमुख कमल हसन ने द्रमुक पर आरोप लगाया कि महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर 1000 रुपए दिए जाने के उनके पार्टी के वादे की DMK ने नकल की है। MNM ने महीनों पहले इसी तरह की चुनावी घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद वो महिला प्रमुखों को मान्यता देंगे। हालांकि AIADMK ने कहा कि उसने DMK की घोषणा की नकल नहीं की है और ये उसके कार्यक्रम में पहले से ही शामिल था। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें, AIADMK 10 मार्च को अपना पूरा मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसमें पार्टी के वादों के अन्य पहलुओं को प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। महिला दिवस के मौके पर सोमवार को AIADMK के शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री के प्लानी स्वामी ने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो परिवार की महिला प्रमुख को हर महीने 1500 रुपए फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर दिए जाएंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।